अब वक्त हो चुका है सियासी सितारे के बारे में जानने की। हम रोज किसी न किसी शख्सियत के बारे में बात करते हैं जो किसी न किसी फील्ड में महारत हासिल किया रहता है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे आर्ट का क्षेत्र हो, चाहे लेखन का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी फील्ड का वह व्यक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंचा रहता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सूबे के सियासी तारे में बात आज एक ऐसे नेता की जो किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता, बीजेपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, महासचिव, प्रवक्ता और नेता प्रतिपक्ष रही हैं। सुषमा स्वराज भारतीय संसद की अकेली महिला सांसद हैं, जिन्हें सांसद का उच्चतम पुरस्कार मिला है। साथ ही सुषमा स्वराज बीजेपी की एकमात्र नेता हैं, जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत दोनों से चुनाव लड़ा है। सुषमा स्वराज 6 बार सांसद, 3 बार विधायक और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। फिलहाल सुषमा स्वराज मोदी सरकार में विदेश मंत्री के पद पर आसीन हैं। क्या कहती है इनकी कुंडली, बताएंगे लक गुरु। आइए ज्योतिष के आईने में देखते हैं कि सुषमा स्वराज की कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो इनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया, एक अच्छा वक्ता बनाया, एक अच्छा अधिवक्ता बनाया, एक अच्छा समाजसेवी बनाया और राजनीति में बड़े पद पर पहुंचाया, विधायक बनाया, इनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया और जो 4-5 महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों में इनकी पहचान होती है। आइए देखते हैं ज्योतिष के आईने में कौन सा ऐसा ग्रह है जो इनको इस पद तक पहुंचाया। तो हम बात करते हैं, इनका जन्म है धनु लग्न का। तो धनु लग्न का स्वामी होता है बृहस्पति। कहते हैं कि जब लग्नेश बृहस्पति हो और बृहस्पति इनकी कुंडली में बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, जब चतुर्थ भाव में बैठा तो एक तो अष्टम को देख रहा है, दशम को देख रहा है और सीधे वैभाव को देख रहा है। तो ऐसे जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, सहनशील होते हैं, सहिष्णु होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं। और इनके द्वितीय भाव में जो 7वें का और 10वें का मालिक बुध है, बुध बैठा हुआ है द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव बुद्धि विद्या वाणी का भाव माना जाता है। जिसका द्वितीय भाव में अगर बुध हो तो बुध वाणी का देवता मानते हैं, कारक होता है। ऐसे लोग बड़े ही अच्छा भाषण देते हैं, बहुत ही अच्छी बात कहते हैं और जब 10वें बुध हो तो व्यक्ति अधिवक्ता के भी क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है। सूर्य राहु तीसरे भाव में, तो राहु को कहते हैं कि अगर तीसरे में, छठे में या 11वें में राहु हो, सूर्य हो, तो वह व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होता है, पुरुषार्थी होता है, सेल्फ मेड होता है, उसका कोई गॉड फादर नहीं होता, जो भी करता है अपने मेहनत के द्वारा आगे बढ़ता है। इनका जो चंद्रमा शनि है, चंद्रमा बृहस्पति गज केसरी योग बना रहा है, दशम में चंद्रमा शनि ये व्यक्ति को काफ़ी आगे बढ़ाता है, ले जाता है, नेतृत्व करने की क्षमता को देता है और व्यक्ति अपने जीवन में महान उन्नति करने वाला होता है और अपने कुल का कुल दीपक होता है, देश का दीपक होता है और देश को आगे बढ़ाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है और उसकी सोच बहुत अच्छी होती है, वो बहुत ही व्यक्ति पॉजिटिव सोचने वाला होता है। एकादश में इनका मंगल है, तो एकादश में मंगल क्या करता है कि व्यक्ति की राजनीतिक क्षमता को बढ़ाता है, उच्च पद दिलाता है और ये सेना में या विदेश मंत्रालय का बड़ा पद दिलाता है। अभी 2014 से लेकर के इनका अच्छा समय चल रहा है शनि का, ये इनकी राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है और इनका शनि चलेगा 2025 तक। अभी वर्तमान में इनका चल रहा है 25 जनवरी 15 से 6/12/16 तक, ये बहुत अच्छा समय इनका। फिर 6/7/18 से लेके 16/8/19 तक शनि में मंगल, ये राजनीति के लिए इनका बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद शनि में राहु आएगा जो इनके लिए सरोज पद पर ले जा सकता है और बड़ी अच्छी और आगे भी राजनीति में इनका अभी बहुत बड़ा योगदान रहेगा और ये सर्वोच्च पद तक पहुँचेंगी। तो ये रहा सुषमा स्वराज की ज्योतिष के आईने में एक विवेचन।